हेलो दोस्तों, आईएएस फर्स्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम 2 जनवरी 2019 के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं, और अगर इन न्यूज़ पर कोई क्वेश्चन बनता हो तो उस पर चर्चा भी करेंगे। तो हमारा आज का पहला जो न्यूज़ है वह है स्पेस एक्टिविटीज़ बिल 2017 के संदर्भ में, जिससे सरकार ने प्लानिंग किया है कि 2019 का बजट सत्र, जो कि फरवरी में आयोजित होगा, उसमें यह बिल पेश किया जाएगा। और यह जो बिल है वह अंतरिक्ष के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देता है। तो इस विधेयक में जो कुछ तथ्य हैं, विशेषताएं हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला यह है कि यह भारत के अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने और विनियमित करने का काम करेगा। साथ ही यह जो नया विधेयक है वह अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से सरकार के मार्गदर्शन और प्राधिकरण के तहत, अथॉरिटी के तहत, भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों में गैर सरकारी निजी क्षेत्र की एजेंसियों की भागीदारी को प्रोत्साहित भी करता है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक्सीडसैट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जो कि बेंगलुरु की एक्सीडसैट स्पेस, जो कि एक निजी क्षेत्र की कंपनी थी, उसने यह सैटेलाइट बनाया था। और यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का सैटेलाइट था, जिसे अमेरिका के स्पेसएक्स ने लॉन्च किया था। तो यह जो न्यूज़ है वह भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ में यह विधेयक इस न्यूज़ के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इस अधिनियम, इस विधेयक के कुछ अन्य विशेषताओं पर भी चर्चा करते हैं। तो अगला जो है, इस अधिनियम के प्रावधान भारत के प्रत्येक नागरिक और भारत या भारत के बाहर किसी भी अंतरिक्ष गतिविधि में लगे सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधि करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक गैर हस्तांतरणीय लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। अर्थात इसमें जिस व्यक्ति को अंतरिक्ष से रिलेटेड लाइसेंस दिया जाएगा, वह लाइसेंस वह किसी अन्य के साथ शेयर नहीं कर सकता, अन्य को किसी को दे नहीं सकता है, या कोई अन्य उस लाइसेंस पर अपना कोई अंतरिक्ष गतिविधि नहीं कर सकता है, या फिर सेटेलाइट नहीं बना सकता है, या सेटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकता है। अर्थात जिसको लाइसेंस दिया गया है वही अंतरिक्ष गतिविधियों से जुड़ सकता है। चलिए अगला देखते हैं। केंद्र सरकार लाइसेंसिंग, पात्रता मानदंड और लाइसेंस के लिए शुल्क के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार करेगी। इसके अलावा सरकार सभी अंतरिक्ष वस्तुओं, पृथ्वी के चारों लॉन्च की जाने वाली कोई भी वस्तु या फिर लॉन्च की गई वस्तु का रजिस्टर बना के रखेगी, तथा देश के लिए और अधिक अंतरिक्ष गतिविधि योजनाएँ विकसित करेगी। यह वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधि के लिए पेशेवर और तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा, और अंतरिक्ष गतिविधि के संचालन और संचालन के लिए जो भी प्रक्रियाएं होती उनको विनियमित भी करेगा। यह सुरक्षा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करेगा और भारत की हर अंतरिक्ष गतिविधि के संचालन की निगरानी भी करेगा, और अंतरिक्ष गतिविधि के संचालन के संबंध में किसी भी घटना या दुर्घटना की जाँच भी करेगा। यह अंतरिक्ष गतिविधि और प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित उत्पादों के मूल्य निर्धारण के बारे में किसी भी व्यक्ति या किसी एजेंसी के साथ निर्धारित तरीके से साझा भी करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के बिना, अथॉरिटी के बिना कोई भी वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधि करता है, तो उन्हें 3 साल तक का कारावास या 1 करोड़ या दोनों से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों, जहाँ यह अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियमित भी करता है, रेगुलेट करता है, उसे संचालित भी करता है, वहीं अगर कोई वायलेशन होता है तो उस पर जुर्माना भी लगाता है। तो दोस्तों, यह जो टॉपिक है, यह जो न्यूज़ है, वह तो साइंस एंड टेक के संबंध में है, उससे ही रिलेटेड है। तो यूपीएससी ये जो विधेयक है उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में मेंस में तो पूछ सकती है, लेकिन प्री में भी पूछ सकती है, क्योंकि ये बजट 2019 में पेश होने वाला है। तो इसके जो कुछ पॉइंट है, जैसे स्टेटमेंट के तौर पर यूपीएससी पूछ सकती है। तो पहले तो जुर्माने के संबंध में बोल दी कि 1 साल तक का ही जुर्माना लगाया जाएगा, या 50 लाख तक का ही जुर्माना लगे, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। 3 साल या फिर 1 करोड़ जुर्माना, या फिर दोनों। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दूसरा है कि जो लाइसेंस है उसमें यूपीएससी स्टेटमेंट देगी कि ये हस्तांतरणीय नहीं, ये गैर हस्तांतरणीय है। तीसरा बोल देगी कि ये जो विधेयक है वह सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा जो भारत में ही यह अंतरिक्ष गतिविधि करने वाले या करेंगे, नहीं, ये भारतीय द्वारा अगर भारत के बाहर भी कोई अंतरिक्ष गतिविधि करे, जैसे अभी हमने देखा है बेंगलुरु के जो इस एक्सीडसैट स्पेस ने बाहर लॉन्च किया है, बाहरी अंतरिक्ष एजेंसी के थ्रू लॉन्च किया है, तो उस पर भी यह विनियमित रेगुलेट करेगा।
तो ऐसे जो तीन चार पॉइंट है जो यूपीएससी पूछ सकती है, आप उसे नोट कर लीजिएगा। अगला न्यूज़ है, एनएचआरसी सीक्स रिपोर्ट्स ऑन स्टूडेंट सुसाइड इन नवोदय विद्यालय। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि हाल ही में आपने सुना ही रहेगा, न्यूज़ में था भी कि नवोदय विद्यालय में आजकल बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। और इसमें एक तो जो हाईलाइट पॉइंट है कि पिछले 4 सालों में, 2013 से 2017 के बीच में 49 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, आदिवासी जनजातियों से बिलोंग करते थे। तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें 49 स्टूडेंट ऐसे रहे जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो इसी के संदर्भ में एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगा है। तो यूपीएससी तो इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया है, या फिर एनएचआरसी ने किससे रिपोर्ट मांगा है। लेकिन एनएचआरसी के बारे में या फिर नवोदय विद्यालय के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो चलिए हम पहले एनएचआरसी के बारे में चर्चा करते हैं, फिर नवोदय विद्यालय के बारे में भी कुछ जान लेंगे। तो पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो यह एक स्वायत्त सार्वजनिक निकाय है और इसकी स्थापना या गठन बोल सकते हैं 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। और ये जो इसकी स्थापना हुआ था, इसका गठन हुआ था, वह 1993 के जो मानव अधिकारों के संरक्षण अध्यादेश के तहत किया था। बाद में इसे मानवाधिकार अधिनियम 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था। एनएचआरसी भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जो मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है, जिसे अधिनियम में परिभाषित भी किया गया है। और अधिनियम में जो परिभाषा दिया गया है उसके अनुसार क्या है एनएचआरसी, क्या है? तो यह जीवन, स्वतंत्रता, समानता, संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति की अधिकारिता या अंतर्राष्ट्रीय करार में सन्निहित अधिकार है। इसके हम फंक्शंस, कार्य क्या है वह भी जान लेते हैं। तो पहला तो है कि आतंकवाद के कृत्यों सहित कारकों की समीक्षा करता है जो मानव अधिकारों के आनंद को रोकते हैं, और उचित उपचारात्मक उपायों की भी सिफारिश करता है। दूसरा है मानवाधिकारों पर संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करता है, उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी सिफारिश करता है। थर्ड है मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करता है, उसे बढ़ावा भी देता है। फोर्थ है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों की शिक्षा में संलग्न है और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों की जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। साथ ही मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयास को प्रोत्साहित भी करता है। इसके अलावा किसी लोक सेवक द्वारा इस तरह के उल्लंघन, अगर मानवाधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो उसे रोकने के लिए भी भारत सरकार के मानवाधिकारों के उल्लंघन या लापरवाही पर लगातार या प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव प्रोएक्टिव रूप से पूछताछ भी करता है। नेक्स्ट है मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालय की कार्रवाई में हस्तक्षेप भी करता है। जैसे अगर किसी न्यायालय में मानवाधिकार से संबंधित कोई केस जाता है तो उस पर भी यह हस्तक्षेप करता है। अगला है पीड़ित और उनके परिवारों को राहत देने के बारे में भी सिफारिश करता है। साथ ही लास्ट है किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या किसी भी अदालत या कार्यालय से कॉपी भी मांग सकता है। अर्थात अगर किसी रिकॉर्ड का या किसी के बारे में इसे जानकारी हासिल करना है तो यह उस संस्था, उस विभाग से उसके बारे में जान सकता है। इसके अलावा दोस्तों यूपीएससी में अगर क्वेश्चन आ सकता है इस पर तो क्या स्टेटमेंट के तौर पर दे सकते हैं, तो पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी, फिर दूसरा पूछ सकते हैं कि इसका अधिनियम जो है वह कब अधिनियमित हुआ था, तो 1993 में हुआ था। तीसरा पूछ सकते हैं कि ये बोल देंगे कि ये संविधिक निकाय है, मतलब इसका संविधान में उल्लेख किया गया, नहीं यह संविधिक नहीं, यह वैधानिक है, अर्थात यह एक्ट के थ्रू पारित हुआ है और एक्ट के अंतर्गत ही आता है। और चौथा है कि इसमें बोल देगा कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो है पूर्व चीफ जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश नहीं, दैट इज रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऐसे जो दो चार पॉइंट हैं आप उसे नोट कर लीजिए। चलिए हम
जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले ये जो विद्यालय है वह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है और यह पूरी तरह से आवासीय सह शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्ध शिक्षण परियोजना है। इसका जो संचालन है वह MHRD द्वारा नहीं किया जाता, इसका संचालन जवाहर नवोदय समिति द्वारा किया जाता है। तो UPSC आपको यहीं पे घुमा देगी कि यह MHRD के अंतर्गत भी आता है और MHRD ही इसका संचालन भी करता है, नहीं इसके इसका संचालन नवोदय समिति द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की कल्पना की गई जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को लाने का प्रयास करती है। दोस्तों इस विद्यालय में एडमिशन 6 स्टैंडर्ड से होता है और इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होते हैं, चयन इसका एग्ज़ाम के माध्यम से होता है। ऐसे आप कोई भी लोग इसमें जाकर एडमिशन नहीं ले सकते हैं, जो इसके चयन प्रक्रियाओं में चयन एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होते हैं वही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य गांव-गांव तक उत्तम शिक्षा पहुंचाना है। ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय एवं निःशुल्क विद्यालय होते हैं जहाँ विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास भोजन शिक्षा एवं खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है। वर्तमान में 635 नवोदय विद्यालय कार्यरत हैं और इसके साथ ही वर्तमान में जवाहर नवोदय विद्यालय जो है 27 राज्यों और 7 संघ शासित राज्यों में भी संचालित है। तो UPSC आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे सकती है कि जो नवोदय विद्यालय है वह देश के सभी राज्यों में नहीं 27 राज्यों में, देश में कुल 29 राज्य हैं लेकिन जिनमें 27 राज्यों में ही संचालित है। और अगला स्टेटमेंट में दे सकती है कि ये जो विद्यालय है वह सरकार द्वारा चयनित कुछ पिछड़े जिलों में ही संचालित है, नहीं यह हर जिले में संचालित है। अगला स्टेटमेंट दे सकती है कि यह जो है निःशुल्क नहीं है, तो यह निःशुल्क है, या फिर बोल देंगे कि आवासीय नहीं है, ये आवासीय भी है। तो यह जो जवाहर नवोदय विद्यालय है यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसी वर्ष बजट में एकलव्य मॉडल पर आधारित भी विद्यालय की बात की गई थी। और एकलव्य में क्या था कि SC ST कार्ड से जो बिलोंगिंग के लड़के होते थे या लड़कियाँ होती थी उनको उस विद्यालय में एडमिशन मिलता था, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे वाले जो बच्चे आते हैं, परिवार के बच्चे आते हैं, वह इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें केवल SC ST के लोग ही नहीं शामिल है, केवल वही एडमिशन ले सकते, इसमें गरीब परिवार के बच्चे भी एडमिशन ले सकते। तो यही डिफरेंस है एकलव्य में और जवाहर नवोदय में। तो इन दोनों से जोड़कर भी UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है। अगला न्यूज़ है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने अंडमान द्वीप के 3 जो द्वीप हैं उनका नया नामकरण किया है। तो UPSC जो है ये नहीं पूछेगी कि क्या नाम रखा है या कब नाम रखा है, डेट बताओ, ये ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन पूछेगी। वो सीधे सीधे बोल देगी आपको, मैच द फॉलोइंग टाइप में दे देगी और बोल देगी कि जो पेयर्स दिए हैं वह कितने कौन से सही है, ऑप्शन में दे देगी 1, 2, 1, 2, 3, ऐसे आपको ऑप्शंस दे देगी। तो हम सीधे सीधे टॉपिक्स पे जाते हैं कि जो पहले रॉस आइलैंड था, रॉस आइलैंड आप देख सकते हैं मैप में, और हैवलॉक आइलैंड है ये भी आप देख सकते हैं, और तीसरा है नील आइलैंड। तो ये तीनों जो आइलैंड का अभी हाल ही में नामकरण किया गया और नया नाम रखा है। रॉस आइलैंड का जो नाम रखा है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा है, और हैवलॉक आइलैंड है उसका नाम स्वराज द्वीप रखा है, और जो तीसरा है नील आइलैंड उसका नाम रखा है शहीद द्वीप। तो अब पेयर में क्या कर सकती है UPSC, ये हॉट टॉपिक है। तो UPSC क्या करेगी, पेयर्स में ना इसको दे देगी, जैसे रॉस आइलैंड है उसके सामने दे देगी स्वराज द्वीप, या फिर हैवलॉक आइलैंड है उसके सामने स्वराज द्वीप दे सकती है या शहीद द्वीप दे सकती। तो ऐसे 3 पेयर में आपको नाम दे देगी और बोलेगी कि जो उपर्युक्त तो द्वीप है या पेयर्स है उनमें कौन सा सही है कौन सा नहीं।
तो आप खाली इतना नोट कर लीजिए, रॉस आइलैंड इक्वल टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हैवलॉक आइलैंड इज इक्वल टू स्वराज द्वीप, नील आइलैंड इज इक्वल टू शहीद द्वीप। तो दोस्तों आज का हमारा जो न्यूज़ है यही समाप्त होता है। धन्यवाद।